हमारा छात्र गुजर रहा है, इंतजार रहता है, इम्तिहान होगा, इम्तिहान होता है, फिर लंबा इंतजार होता है, परिणाम आएंगे, परिणाम भी लंबे इंतजार के बाद आते हैं तो लगता है अब भर्ती हो जाएगी, भर्ती के बाद भी एक लंबा इंतजार के बाद भर्ती हो जाती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की घोषणा होती है पता लगता है पेपर तो लीक हो चुका है, पेपर 12-35 लाख में बिका है, इसलिए अब सारी भर्ती इम्तिहान परिणाम रद्द हो गए, अगली तारीख कब आएगी किसी को पता नहीं है। ये देश के भविष्य युवाओं के साथ खिलवाड़ है या नहीं है, क्यों केंद्र की सरकार मूकदर्शक बनकर देख रही है ये आंदोलन। मैं खुद थी इस आंदोलन में, श्री राहुल गांधी जी भी, ये आंदोलन आपको अगर याद होंगे, स्टाफ सर्विस कमीशन SSC CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर, तारीख बता रही हूं मार्च 2018, छात्र आंदोलित थे क्योंकि SSC का पेपर लीक हुआ था, मांग की जा रही थी कि CBI की जांच, निष्पक्ष जांच एक बिठाई जाए क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत से छात्र इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से दे चुके थे। 18, 19, 20, 2021 जानना चाहते हैं ये जो छात्र CGO कॉम्प्लेक्स SSC के दफ्तर के बाहर बैठे थे, कहा गया CBI को सौंपी जा रही है जांच, वो जांच का नतीजा कहां है, आरोपी आज तक फरार क्यों है, क्यों सलाखों के बीच में पीछे भेजकर इस लीकेज को परमानेंट अभी तक बंद नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से तार जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बलि का बकरा नहीं बना सकते आप एक दो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स को पकड़कर, जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है, पेपर आप तैयार करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है शुरू से अंत तक पेपर बिना लेक हुए, बिना किसी के कहते हैं समझौता किए हुए भविष्य से आप इसे करवाएं, और अगर